अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। अभी जो हमने डिस्कस किया वो हमें हमने डिस्कस किया एनर्जी के बारे में कि एनर्जी क्या होती है। अब ये जो एनर्जी हम लेते हैं फॉर आर ओन पर्पस, ओके, फॉर आर डेली यूज, सो ये जो एनर्जी हमें मिलती है ये भी हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज से मिलती है और उन सोर्सेज की एक कैटेगरी डिफाइंड होती है, वही अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंडर द टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी में। ठीक है, सो यहां पे पहला जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, लेट सी। द सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरी यूजुअल फिनोमिना इन मिलियन ऑफ ईयर, ऐसे एनर्जी के सोर्स जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय नेचुरल फिनोमिना इन 100 मिलियन ऑफ ईयर्स। इसका मतलब है जो एनर्जी सोर्सेस हैं, जो सोर्स ऑफ एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल फिनोमिना इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 100 मिलियन मींस इन मिलियन ऑफ ईयर मींस काफी सालों बाद, एंड एक्यूमुलेटेड इन नेचर विच कैनॉट बी रिक्रिएटेड क्विकली, जो कि इकट्ठे हो जाते हैं प्रोड्यूस्ड होने के बाद नेचर में ही, और उनको रिक्रिएट करना इतना आसान नहीं होता या इतना क्विक प्रोसेस नहीं होता, बिकॉज इट विल टेक मिलियन ऑफ ईयर टू बी गेट प्रोड्यूस्ड। व्हेन एग्जॉस्टेड इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जो हमें नेचर से ही मिलते हैं, बट कंडीशन क्या होती है कि वो मिलियन ऑफ ईयर्स में प्रोड्यूस होते हैं और उन्हें रिक्रिएट करना इतना क्विकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को वी डिफाइन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल मींस विच कैनॉट बी रिक्रिएट क्विकली। ठीक है, इसके मैं एग्जाम्पल दे देता हूं कुछ यहां पे। एग्जाम्पल्स आर इसका एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एसेट्रा। सो ये जो कोल हुआ, ये पेट्रोलियम हुआ, ये सब हमें नेचर से ही मिलता है, बट इसका जो प्रोडक्शन होता है वो काफी मिलियन ऑफ इयर्स में होता है। सो इसको हम कैटेगराइज करते हैं अंडर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में। सिमिलरली अगर हम सेकेंड टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो वो होती है हमारी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सी? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि जस्ट उल्टा हो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के। सो देखते हैं, द इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहां पे अगर ध्यान देंगे तो यहां पे हमने यूज किया है वर्ड इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मींस जो कि काफी आसानी से एग्जॉस्ट या खत्म नहीं होते हैं। ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर बींग प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली इन नेचर, जो हमारे नेचर में कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, आर नोन टू बी एज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होंगे और जो कंटिन्यूअसली हमारे नेचर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको हम कैटेगराइज करते हैं एज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में। और इसके बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल्स आर लाइक विंड एनर्जी। हवा से जो हमें एनर्जी मिलती है, विंड एनर्जी, दैट इज इट इज प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूअसली इन आर नेचर, ओके। इसके अलावा हम कह सकते हैं सोलर एनर्जी जो कि हमें सन से मिलती है, और भी काफी सारी हैं। सो दीज आर कैटेगराइज अंडर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम बात करेंगे कि क्या एडवांटेज है ऑफ क्लासिफिकेशन द सोर्स ऑफ एनर्जी एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी एज नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये जो हमने कैटेगराइजेशन करी
ऑफ द सोर्सेस ऑफ एनर्जी की एज रीनेबल एंड नॉन रीनेबल, इसकी क्या एडवांटेजेस हमको मिलेंगे। द क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू डिसाइड विच ऑफ द अवेलेबल एनर्जी सोर्स नीड्स टू बी कंजर्व्ड टू एंश्योर दैट देयर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। कि पहली चीज जो हमें पता लगी कि इससे हमने कैटेगराइजेशन से यह पता लगा कि कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल हैं जिनको हम वापस से रिन्यू कर सकते हैं आसानी से, और कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन रिन्यूएबल हैं। ओके, सो इस कैटेगराइजेशन के बेसिस पे हमने एक स्टेट्स निकाले जिससे हमने पता लगा कि कौन से सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं जो कि हमें एक पर्टिकुलर रेट पे कंज्यूम करने चाहिए ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे, बेसिकली नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनके बारे में भी हमें पता चला कि दीज आर रिन्यूएबल, सो इनका जो कंजप्शन है इसको हम और ज्यादा यूज में लाए विद एज रिस्पेक्ट टू द नॉन रिन्यूएबल वंस, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर इजिली रिन्यूड। ये तो हुई पहली चीज। यहां सेकेंड थिंग इज also by knowing that certain energy sources are non-renewable, we are compelled to look for alternative sources of energy, जिससे कि हमें पता चला कि कुछ sources of energy like coal, petroleum, natural gas, ये these are non-renewable. Non-renewable means taking lot of time to produce. So, ऐसे एनर्जी सोर्सेस के लिए हम ऑल्टरनेटिव सोर्स देखने लगे। ऑल्टरनेटिव सोर्स मतलब लाइक नेचुरल रिसोर्सेज जो कि रिन्यूएबल है उनको कैसे काम में लाया जाए ताकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज थोड़ा कम किया जा सके। सो दीज टू आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग द सोर्सेज ऑफ एनर्जी एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। So, अब हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। यह है थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो द सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी जिसको हम एक extensively means एक large amount में काफी long period of time से use कर रहे हैं and contribute to the major portion of our energy requirement, और वो source हमारी energy requirement के जो contribution है, जितनी energy हमें चाहिए उसमें उसका contribution भी काफी large amount का है। So ऐसे sources of energy को हम define करते हैं as conventional sources of energy। ओके, सो इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल्स आर कोल, पेट्रोलियम एसेट्रा। सो ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी जिनको हम लार्ज क्वांटिटी में काफी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं, एंड वो जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं बेसिकली हमारे एनर्जी कंजप्शन में एक ह्यूज अमाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, एक लार्ज नंबर में कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। उसी की तरह वी हैव अ फोर्थ टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी वो एनर्जी सोर्सेस होते हैं जो कि जस्ट अपोजिट होते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के। सो द सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर डेवलप्ड इन रीसेंट टाइम्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू लिमिटेड पोर्शन ऑफ आर एनर्जी रिक्वायरमेंट, दैट काइंड ऑफ एनर्जी सोर्सेस आर नोन टू बी एज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो अभी अभी हमने रिसेंटली फाइंड आउट करे हैं या डिस्कवर करे हैं और जो हमारे एनर्जी कंजप्शन में बहुत लिमिटेड अमाउंट में या बहुत लीस्ट अमाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं एज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
और इनके एग्जाम्पल हैं लाइक सोलर एनर्जी, यू कैन से विंड एनर्जी एसेट्रा। अगर आप ध्यान से देखें तो जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, वो भी एक काइंड ऑफ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल काइंड ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी से लिंक्ड हैं। जितने भी हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम, वो हम ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं और वो हमारे एनर्जी कंजप्शन में एक बड़ा प्रपोर्शन होल्ड करते हैं अपने आप में। सो वो हम डिफाइन करते हैं अंडर कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। उसी की तरह जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, वो हमारे जो बेसिकली एनर्जी कंजप्शन है उसमें बहुत लिमिटेड शेयर या बहुत लिमिटेड अमाउंट में ही एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज उनका जो यूज है वो इतना एक्सटेंसिव नहीं है एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सो उसको हम डिफाइन करते हैं अंडर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसके एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, योर टाइडल एनर्जी एसेट्रा। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सो अब हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि है फॉसिल फ्यूल। ओके, फॉसिल फ्यूल के बारे में हम यहां पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि फॉसिल फ्यूल इज वन ऑफ द फ्यूल, या फिर आप कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल एक ऐसा सोर्सेस ऑफ एनर्जी है जिसको हम काफी एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज अ फॉसिल फ्यूल। एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कंबक्शन ऑफ मटीरियल, कंबक्शन ऑफ मटीरियल That was formed by the death, decay, and the transformation of organisms over a long period of time. Energy जो हम obtain करते हैं वो basically हम लेते हैं by the combustion of material. Combustion means एक combustion एक ऐसा process है जिसमें कि हम एक material को बिल्कुल ही एग्जॉस्ट करके या उसे बिल्कुल ही बर्न करके उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो दैट प्रोसेस इज नोन टू बी एज अ कंबशन। सो ऐसी एनर्जी जिसको हम कंबशन ऑफ मटेरियल से फॉर्म एक्सट्रैक्ट करते हैं और जो कि फॉर्म होती है बाय द डेथ, डीके एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक ऐसे टाइम कैप्स्यूल में जब हम एक मटीरियल को कंबशन प्रोसेस के अंडर गो करने पे मजबूर करते हैं या वो नेचुरली अकर करता है अंडर कंबशन विद द हेल्प ऑफ दिस डेथ डीके ऑर्गेनिजम्स बॉडी, दीज काइंड ऑफ मटीरियल देन फॉर्म्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। सो फॉसिल फ्यूल कैसे फॉर्म होते हैं? इट इज फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ मटीरियल दैट टेकन फ्रॉम द बॉडी ऑफ डेड डीके ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू फॉर्म फॉसिल फ्यूल। तो ऐसा हमारा फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल टेक प्लेस होती है। सो एग्जैक्टली इट इज एन ओवरव्यू की फॉसिल फ्यूल एग्जैक्टली फॉर्म कैसे होता है। सो लेट्स सी इन डिटेल। फॉसिल फ्यूल्स आर सब्सटेंस डेट वर फॉर्म्ड अंडरग्राउंड मिलियन ऑफ ईयर्स। फॉसिल फ्यूल एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि फॉर्म होता है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मीन्स बिलो द लेयर ऑफ अर्थ, बिलो द वेरियस लेयर ऑफ अर्थ ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर अगो, या फिर यू कैन से बाय टेकिंग द टाइम ऑफ लॉट ऑफ ईयर। मिलियन ऑफ ईयर मीन्स लॉट ऑफ ईयर्स वर टेकन टू फॉर्म फॉसिल फ्यूल। काफी टाइम लगता है, काफी साल लगते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड अदर लिविंग थिंग्स, जो कि प्लांट्स हैं, जो कि ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी
फिश हो गई या जो भी एनिमल्स हो गए जो कि डेथ हो जाती है और वो बरिड हो जाते हैं अंडर द लेयर ऑफ अर्थ, सो वो उस पर लेयर ऑफ अर्थ फॉर्म होती रहती है होती रहती है होती रहती है, एंड आफ्टर सर्टन ईयर और यू कैन से आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो जो डेड डी के बॉडी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की वो कन्वर्ट हो जाती है इंटू फॉसिल फ्यूल, जिसको हम देखते हैं इन द रिफाइंड फॉर्म आज के टाइम में हम देखते हैं एज कोल एज पेट्रोलियम एज नेचुरल गैस, वो सब इसी से फॉर्म होता है, नोन टू बी एज फॉसिल फ्यूल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑफ देम। डेट वॉर बरिड अंडर द लेयर ऑफ सेडिमेंट, सेडिमेंट्स मीन सेडिमेंट ड्रॉप्स जो कि लेयर ऑफ अर्थ के नीचे एग्जिस्ट करते हैं, टू टर्न इंटू फॉसिल फ्यूल। दिस ऑर्गेनिक मैटर वॉज क्रस्ट heated and deprived of oxygen in order to extract the energy from it. अब fossil fuel जो हमें underground से मिलता है from the layer of earth से हम extract करते हैं fossil fuel, वो ऐसा नहीं होता जो कि हम actually market से जाके purchase करते हैं। For example आप petrol देख लो, natural gas देख लो या coal देखो, तो जो भी ये जितने भी type के fossil fuel हैं ये जिस form में हम यूज करते हैं उस फॉर्म में हम एक्सट्रैक्ट नहीं करते। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वी हैव टू रिफाइन द फ्यूल सो दैट द सोर्स ऑफ एनर्जी जो एक्चुअल एनर्जी है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, और उसी रिफाइनिंग के प्रोसेस में हम इसको क्रस्ट करते हैं, इसको हीट करते हैं और उसमें से ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं ताकि वो जो फ्यूल हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसको हम यूजेबल फॉर्म में ला सकें। सो जो फॉसिल फ्यूल होता है इट एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सो सॉलिड में अगर मैं बात करूं तो सॉलिड में हमारा आता है कोल, लिक्विड में आता है हमारा पेट्रोलियम, और अगर गैस की बात करूं मैं आपकी तो इसमें आती है नेचुरल गैस लाइक एलपीजी सीएनजी। ओके, सो इन सभी का सोर्स क्या है? फॉसिल फ्यूल है, चाहे वो कोल हो, पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैस हो, सबका मेन सोर्स है फॉसिल फ्यूल, और फॉसिल फ्यूल इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट विल टेक लॉट ऑफ ईयर टू फॉर्म। ओके, सो दिस इज अबाउट द फॉसिल फ्यूल। Thank you.